नमस्कार दोस्तों, आपसे विशेष रूप से आज के इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि लगभग एक महीने के लिए आपको विशेष सावधान रहना होगा, और इसलिए रहना होगा क्योंकि गुरु का और राहु का जो चंडाल दोष है ये प्रबल रूप में आपके और हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। और ग्रहों के अधीन तो पूरा का पूरा सेटअप चल रहा है, और ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव से ना आप बच सकते ना मैं बच सकता। ग्रहों की गति ही ऐसी है, ग्रहों का प्रभाव ही ऐसा है। आज के इस वीडियो में देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में वर्तमान में लगभग 4 डिग्री के हैं, और राहु देव इस समय वर्तमान में यानी कि 10 मई के आसपास ये लगभग 9 डिग्री के हैं। यानी कि अब राहु और गुरु एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, उन्होंने आना शुरू कर दिया है। गुरु आगे बढ़ रहे हैं, मार्गी गति से आगे चलते जा रहे हैं, और राहु पीछे चल रहे हैं। यानी कि राहु और केतु तो हमेशा वक्री ही चलते हैं, उल्टे, और बाकी के 7 ग्रह आगे चलते हैं, उनके आगे बढ़ते हुए कदम चलते हैं। तो अब इसका गुरु का और राहु का टकराव होगा, और ये टकराव अच्छा नहीं है। ये टकराव लगभग 14 मई 15 मई के आसपास हो जाएगा, यानी कि बहुत नज़दीक आ जाएंगे, और उसके बाद एक महीने तक इनके बीच में जो नज़दीकियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। और जैसे ही राहु फिर आगे निकल जाएंगे, कहने का मतलब ये है कि गुरु आगे और राहु पीछे रह जाएंगे, फिर एक सिचुएशन रिलीफ वाली मिलेगी। अभी आपको एक तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, बिल्कुल संतुलित होकर काम करना है, तनाव मुक्त होकर काम करना है। मैं 17 से और 21 मई तक मुंबई में अवेलेबल रहूँगा। आप मुझे वहाँ कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा मेष राशि में गुरु का रहना तो अच्छा है, राहु रहेगा तो ये मेष राशि को पीड़ित करेंगे सबसे ज़्यादा, और जहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी उस घर को भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। जैसे देवगुरु बृहस्पति तुला राशि को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, तो इनके इस गुरु राहु के चंडाल दोष में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव एक तो मेष पर रहेगा और दूसरा तुला पर रहेगा, क्योंकि शुक्र की राशि है और गुरु अपने शत्रु की राशि को देखेंगे, चंडाल दोष से देखेंगे, तो ऐसे में दिक्कत देंगे। तो इसके फल बदल जाएंगे, इसके मायने बदल जाएंगे। तो क्या फल आपको प्राप्त होगा ये मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए पूरा सुनना और अंत तक सुनना, तभी कुछ सीख पाओगे, अदरवाइज वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बता देता हूँ कि मैं 17 से और 21 तारीख तक मुंबई में अवेलेबल रहूँगा। आप वहाँ भी कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेष राशि, सबसे महत्वपूर्ण बेवजह किसी से उलझना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपका स्वाभिमान को ठेस पहुंच भी रही है तो भी शांति के साथ में अपना आगामी एक महीना निकाल लेना, 13-14 मई के बाद 2023 में, और फिर एक महीने तक। पत्नी के घर को देखेंगे, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश को बढ़ा देंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा और ध्यान रखते हुए चलना होगा। व्यापारिक पार्टनर को भी देखेंगे, उसके साथ भी तनाव की स्थिति को क्रिएट कर देंगे, इस बात का भी ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति हैं ये, पुखराज पहन लो अगर आपको बचना है तो, पुखराज पहन लो अगर आपको गुरु को ताकत देनी है तो, निकल जाओगे इस दोष से, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि सिंह राशि पर है। धन लाभ के घर पर भी है, और एक ज्योतिष में नियम भी है कि अगर गुरु राहु की युति बनते हैं तो देव योग की कृपा से धन धान्य की जो वृद्धि है वो भी बढ़ती है, इसलिए इस बात को भूलना मत। भाग्य पर भी है, भाग्य के लिए भी ठीक है, पर आपके स्वयं के लिए और आपके दाम्पत्य जीवन के लिए जो गुरु राहु का प्रबल चंडाल दोष रहेगा, इसका बुरा प्रभाव आपको भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मिथुन राशि के विषय में। इस राशि के स्वामी बुध होते हैं, और बुध लाभ स्थान में
दिनांक 14 मई से मार्गी हो जाएंगे। मार्गी का मतलब समझ रहे हैं ना, सीधे चलने लगेंगे। तो ये तो एक भगवान की कृपा है कि आपके केंद्र के स्वामी इकट्ठे, यानी कि आपका मान सम्मान यशो उपलब्धि, यानी कि चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का घर और आपकी स्वयं राशि, इसके स्वामी बुध लाभ स्थान में, और जो बचे बाकी के दो केंद्र के घर दाम्पत्य जीवन और कर्म, इसके स्वामी गुरु, ये भी लाभ स्थान पे। तो गुरु की और बुध की आपस में सुंदर युति जो ये बनेगी, इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जो ये गुरु राहु का चंडाल दोष बनेगा, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा तो सही पर कंपैरेटिवली थोड़ा कम पड़ेगा। काम बनेंगे पर अड़चने आएंगी, और उन अड़चने तो फिर जीवन का हिस्सा हैं ही, वो तो आती ही हैं। पर इस गुरु राहु के चंडाल दोष की जो दृष्टि है वो शत्रु राशि पर रहेगी, और वो भी बुद्धि के घर पर रहेगी, तो ये बुद्धि से भ्रमित कर देंगे, संतान के साथ कष्ट दे देंगे, कार्यों में व्यवधान उत्पन्न कर देंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कर्क राशि के विषय में। कर्क वालों, आपके लिए ये गुरु का और राहु का जो दोष है, जो मैंने बताया अभी कि लगभग 13 मई 14 मई के बाद से इसका प्रभाव चालू होगा और एक महीने तक रहेगा, ये कर्म भाव पर बन रहा है। इस घर में बनने का मतलब है कि आपका सबसे महत्वपूर्ण व्यापार, आपकी सरकारी नौकरी, आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी कंडक्ट हो जाना, बेवजह आपको परेशान करना, उलझाने की कोशिश करना, गुप्त रूप से चिंताओं का सताना, ऐसा एक ग्रह गोचर यहाँ पर चालू होगा, इसलिए आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। पर देवगुरु बृहस्पति की और राहु की, इनकी मिलके जो दृष्टि पैसे के घर पर जा रही है, यह आपको कुछ अकस्मात धन लाभ दे सकती है, इसमें भी कोई दोराया नहीं है। सिंह राशि वालों, आपको अपने पिता का बहुत ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, उनको उनके आपके स्वयं के भाग्य पर हानि हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है एक तो शत्रु राशि सिंह पर, स्वयं आपकी राशि पर, और फिर शनि की तीसरी दृष्टि आपके देवगुरु बृहस्पति पर भी पड़ रही है, और गुरु राहु का चंडाल दोष भी एक्टिवेट हो जाएगा। आपको बहुत ध्यान रखना है, केयरफुली रहना है आगामी एक महीने, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। तुला राशि वालों, आपको भी मैं आगाही करने चाहूँगा, आपके लिए कोई ज़्यादा फेवरेबल बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन पर ये चंडाल दोष बना हुआ, और सप्तम दृष्टि से आपकी स्वयं तुला राशि को गुरु राहु भी देखेंगे, और सूर्य देव दिनांक 15 मई से डाउन हो जाएंगे, और डाउन होंगे आपके प्रॉफिट को लेकर के 8th हाउस में, इसलिए भी यहाँ पर सूर्य की स्थिति भी बलवान नहीं रहेगी, और तुला राशि से ये अष्टम हो जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, और सोच विचार करके आपको कार्य करना पड़ेगा। आपसे बात करना चाहता हूँ विशेष रूप से धनु राशि के बारे में। धनु वालों, आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पंचम भाव पर ये गुरु राहु का प्रभाव रहेगा, जो आपको गुप्त युक्तियों से अकस्मात पैसा दिलवा सकता है, पर आपको अपने इर्द गिर्द लोगों से सावधान रहना है। आपके प्रॉफिट के घर पर ये दृष्टि जाएगी, आपको प्रॉफिट के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान रखना है, आपको विदेशों से विशेष ध्यान रखना है, मान सम्मान को हानि पहुंचेगी, पर कुछ अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे, ऐसा आपकी पत्री सुंदर रूप में इशारा करती हुई नजर आ रही है। मीन राशि वालों, आपसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका गुरु सूर्य बुध राहु सब सेकेंड हाउस में है, और मंगल भी नीच हो जाएंगे, आपको भी बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, और ये शत प्रतिशत आपको कहना चाहता हूँ, मतलब आप बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतना अपना स्वास्थ्य में, थोड़ी सी भी पीड़ा महसूस हो तुरंत इलाज कराओ, तुरंत एक्टिव होकर के कार्य को सिद्ध करने की कोशिश करिए, ये विशेष आग्रह मेरा आपसे रहेगा। दोस्तों, ये है यहाँ पर प्रभाव सभी राशियों का जो मैंने बताया। कुंडली बनवाने दिखाने पूजा पाठ के लिए आप संपर्क कर सकते हो, और रुद्राक्ष के लिए कर सकते हो, और 17 से और 21 मई तक मुंबई में अवेलेबल रहूँगा, वहाँ भी आप मिल सकते हो। अभी इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।